सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पोद्दार। आप सभी का स्वागत है हमारे करेंट टेक्निकल न्यूज पर। और आज मैं यहां पर देखने वाले कि गूगल क्रोम ब्राउजर। बेसिकली अभी देखा जाए कि 99% लोग गूगल क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इस ब्राउजर को यूज कर रहे हो तो इस ब्राउजर के बारे में 5 एक्सटेंशन जो मोस्ट नेसेसरी है वो मैं यहाँ पर आज आपको दिखाने वाला हूँ। और पहले मैं अच्छी तरह से बोल देता हूँ कि मेरा रूम पे कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए मैं आज सेटअप पे नहीं हूँ। अब हो सकता है कि अच्छी तरह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी तरह से देखना। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ गूगल क्रोम ब्राउजर का मोस्ट 5 नेसेसरी एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन को आप कैसे यूज कर सकते हो, इस एक्सटेंशन को आप कैसे आपका ब्राउजर के साथ ऐड कर सकते हो, सारा कुछ मैं यहाँ पर डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। तो चलो यहाँ पर अच्छी तरह से गूगल क्रोम ब्राउजर को मैं पहले खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पास में स्क्रीन रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। तो आप अच्छी तरह से देखो यहाँ पर आज मैं यहाँ पर गूगल क्रोम का 5 मोस्ट नेसेसरी एक्सटेंशन आपको दिखाने वाला हूँ। तो गूगल क्रोम देखो, यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया। गूगल क्रोम खोलने के बाद एक गूगल ऑप्शन जो आ जाएगा, गूगल क्रोम में एक्सटेंशन ले आने के लिए गूगल क्रोम में सर्च ऑप्शन में लिखो ये क्रोम। देखो यहाँ पर मैं लिख के रखा CHROME क्रोम वेब WEB वेब स्टोर STORE स्टोर लिख के इंटर प्रेस करो। और इंटर प्रेस करने के बाद गूगल क्रोम स्टोर देखो यहाँ पर आ गया, गूगल क्रोम स्टोर यहाँ पर क्लिक करो। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गूगल क्रोम एक्सटेंशन आ गया। इस यहाँ पर मुझे 5 मोस्ट एक्सटेंशन लेना है, तो इसके लिए पहले सर्च ऑप्शन में फर्स्ट जो एक्सटेंशन मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो है नाइट फॉल। यहाँ पर लिखो NIGHT नाइट फॉल FALL नाइट फॉल। नाइट फॉल दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर गूगल क्रोम में ये व्हाइट जो है ना, ये व्हाइट वाला पार्ट पोर्शन टोटली ब्लैक हो जाएगा। आपको आई के लिए ये बहुत ही नेसेसरी है। आपको अगर आपको बैटरी लैपटॉप का बैटरी बहुत देर तक आप यूज़ कर सकते हो, नाइट फॉल में क्लिक करो। और फर्स्ट जो आए ना नाइट फॉल, यहाँ पर इसको क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद देखो ऐसे क्या आ जाएगा, ये ऊपर पिक्चर दे रहा है, यहाँ पर आप नेक्स्ट पिक्चर भी कर सकते हो। और देखो यहाँ पर कैसा ब्लैक था और कैसा व्हाइट था और कैसा ब्लैक हो गया, आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको लोड करने के लिए ऐड टू क्रोम, यहाँ पर ऐड टू क्रोम है, इसको क्लिक करो। ऐड टू क्रोम और ऐड एक्सटेंशन, देखो यहाँ पर इस एक्सटेंशन को मैं ऐड कर लिया और ये डाउनलोड हो रहा है। तो बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, डाउनलोड हो गया। देखो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद देखो नाइटफॉल डार्क थीम, इसको यहाँ पर क्लिक करो। ये अभी एक काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पर जो ये नाइटफॉल डार्क थीम, ये अभी मैं यहाँ पर और कोई मेरे यूट्यूब देखो टोटली ब्लैक हो गया, ये टोटली ब्लैक हो गया। यूट्यूब को मैं ओपन कर लेता हूँ, देखो ऐसे करके टोटली ब्लैक हो गया, अभी टोटली ब्लैक चल रहा है। और आप ऐसे करके आपका लैपटॉप का बैटरी ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही नेसेसरी है आपको आई के लिए। अगर आप लैपटॉप में हर वक्त लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपको आई के लिए बहुत ही नेसेसरी है, ये डार्क हो जाएगा टोटली। तो ये फर्स्ट एक्सटेंशन था मोस्ट नेसेसरी एक्सटेंशन। और सेकंड गूगल क्रोम वेब स्टोर में मैं फिर से चले जाता हूँ। और सेकंड जो है, सेकंड है क्यूट कर्सर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CUTE क्यूट, CURSOR क्यूट कर्सर्स। देखो जो कर्सर जो पोर्ट है ना, जो एरो है ना, देखो ये यहाँ पर जो एरो है, ये एरो टोटली चेंज हो जाएगा। ये देखो ये जो एरो है ना, ये एरो टोटली चेंज हो जाएगा। अब बहुत देखो क्या कुछ कैसे करके एरो चेंज होता है। देखो ये क्यूट कर्सर, ये जो फर्स्ट पोर्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन है क्यूट कर्सर फॉर क्रोम, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद देखो ये ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम में आप ऐड कर सकते हो ऐड एक्सटेंशन, फिर से ऐड एक्सटेंशन आपको करना होगा। और उसके बाद देखो ये डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड हो गया, अभी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन जो है ना, इस ऑप्शन को क्लिक कर दो। और ये जो कर्सर है ना, इस कर्सर को क्लिक करो,
अभी जिस कर्सर आपको चाहिए आप ले सकते हो। देखो बहुत और भी बहुत सा कर्सर है डिजेबल आप कर सकते हो नीड, इसको मैं ले लेता हूँ, देखता हूँ। इसको लेने के बाद देखो कैसे करके कर्सर आ गया क्रोम में। क्रोम में जो कुछ आप काम करते हो ना, देखो यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब को ओपन करके बाद देखो यहाँ पर कैसे करके आ गया कर्सर जो है ना, वो कैसे करके आ गया। अब बहुत सारा सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, बहुत सारा जो आपको चाहिए नेसेसरी है आपको अच्छा लगता है उसी कर्सर को आप सिलेक्ट कर लेना। तो ये था दो, और नंबर थ्री अभी देखो एक कैसे आ गया। और नंबर थ्री क्रोम का एक्सटेंशन में फिर से क्रोम एक्सटेंशन में चला जाता हूँ, और यहाँ पर सर्च ऑप्शन में नंबर थ्री जो मोस्ट नेसेसरी एक्सटेंशन जो आपको जानना होगा वो है कलरफुल। ठीक, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो है इसको क्लिक करो। अभी देखो अभी आप काम करते करते गूगल क्रोम में आप काम करते हो, तो काम करते करते आपको थक गया, आपको कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, तो क्रोम के साथ आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ऐड कर लो, ऐड एक्सटेंशन टिक टैक टॉक, इसको देखो ये डाउनलोड हो रहा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, डाउनलोड हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर आ गया, इस ऑप्शन को क्लिक कर लो, और ये देखो ये ऑप्शन ये कलरफुल टिक टैक यहाँ पर क्लिक कर लो, ये आ जाएगा। यह गेम आप क्या गूगल में काम करते हो तो काम करते करते आप थक गया, तो देखो यहाँ पर ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हो एक एक करके। आप सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे करके आप गेम खेल सकते हो। बहुत अच्छा लगता है ये गेम खेलने में मुझे। तो ठीक है, और देखता हूँ और क्या कुछ एक्सटेंशन क्रोम के साथ है। और क्रोम वेब स्टोर मैं फिर से चले जाता हूँ, और सर्च ऑप्शन में ये था नंबर थ्री। और नंबर फोर ऑप्शन में जिस एक्सटेंशन को मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ ना, बहुत ही नेसेसरी है नंबर फोर ऑप्शन में, वो है गूगल ट्रांसलेट। बहुत ही नेसेसरी है ये गूगल ट्रांसलेट, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गूगल ट्रांसलेट। आप क्रोम में यूज कर सकते हो GOOGLE गूगल TRANSLATE गूगल ट्रांसलेट। देखो ऑटोमेटिक आ गया गूगल ट्रांसलेट, यहाँ पर क्लिक इसको क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद देखो गूगल ट्रांसलेट इसको नहीं ए है गूगल ट्रांसलेट, ए बहुत ही नेसेसरी है गूगल ट्रांसलेट। यहाँ पर जस्ट क्लिक, यहाँ पर इसको क्लिक करो, और ऐड टू क्रोम, क्रोम के साथ ऐड आपको करना चाहिए ये सारा कुछ। और ऐड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्लिक करो, उसके बाद ए फिर से डाउनलोड हो जाएगा और आ जाएगा, आ गया गूगल ट्रांसलेट। ज़्यादा बड़ा नहीं मगर बहुत ही नेसेसरी। किसी लैंग्वेज को आप विद इन सेकेंड आप कोई भी एक लैंग्वेज में देख सकते हो। गूगल में आप गूगल क्रोम में कुछ ब्राउज करते हो किसी और लैंग्वेज में, बहुत ही झटपट आप आपका खुद का लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो उसको। देखो यहाँ पर क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने के बाद कहा गया गूगल ट्रांसलेट, इसको देखो यहाँ पर क्लिक करूँ, और गूगल ट्रांसलेट को देखो यहाँ पर ये डिक्शनरी ट्रांसलेट किसी भी लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ग्रेट इसको GREAT आप कॉपी भी कर सकते हो जैसे ट्रांसलेट से क्रिएट, कौन सा लैंग्वेज में आप चाहते हो। ओपन गूगल ट्रांसलेट, ओपन मैं बड़ा करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर और देखो कौन सा लैंग्वेज में आप चाहते हो। डॉक्यूमेंट्स देखो ये डिटेक्टेड लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को आप डिटेक्ट करना चाहते हो इस लैंग्वेज को आप यहाँ पर ले आओ, इसी लैंग्वेज पे आप लिख सकते हो। यहाँ पर किसी लैंग्वेज को आप लिखना चाहते हो किसी लैंग्वेज पे, उस लैंग्वेज को आप लिखो यहाँ पर, वो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है ना इसी लैंग्वेज किसी लैंग्वेज को आप कॉपी करके यहाँ पर ले आओ, और ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा कोई भी लैंग्वेज को। अगर गूगल क्रोम में आप किसी लैंग्वेज को देखते हो तो ऑटोमेटिक देखो गूगल क्रोम मैं यहाँ पर कुछ खोलता हूँ, ओपन करता हूँ GREAT ग्रेट फॉर मीनिंग ऑफ हिंदी, देखो यहाँ पर आ गया हिंदी लिखा आ गया। मैं हिंदी इसको क्लिक करता हूँ, मुझे ये सब कुछ पता नहीं इसको है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये महान लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और गूगल ट्रांसलेट में जाके मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। ओपन गूगल ट्रांसलेट, ट्रांसलेट दिस स्पेस, ओपन गूगल दिस स्पेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हो, और देखो यहाँ पर महान जो है ना, महान जो जहाँ पर मैं क्लिक किया ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर, इसको मीनिंग है ग्रेट, ऑटोमेटिक गूगल में लिख दिया ये हिंदी था महान,
और ये ग्रेट लिख दिया ऑटोमेटिक। यहाँ पर क्लिक करो और ट्रांसलेट दिस पेज, टोटल पेज को आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी और लैंग्वेज में। देखो यहाँ पर हिंदी जो था ना, ये टोटली जो टोटल पेज आप ट्रांसलेट हो गया अभी इंग्लिश में। आप कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। आप ये हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया फुल पेज को। अगर पेज में कुछ और लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो एक क्लिक करने से पूरी पेज आप ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में। जो आपको समझ आता है उसी लैंग्वेज पे आप ट्रांसलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये था फोर्थ। और नंबर फाइव जो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ वो है गूगल क्रोम स्टोर में चला गया। और इसके बाद नंबर फाइव में जो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ वो है गूगल इनपुट टूल्स। यहाँ पर लिखो GOOGLE गूगल इन INPUT। देखो आ गया गूगल इनपुट टूल्स, ये भी बहुत नेसरी है। इसको यहाँ पर क्लिक कर लो GOOGLE गूगल इनपुट टूल्स। गूगल इनपुट टूल्स देखो यहाँ पर गूगल इनपुट टूल्स आ गया, इसको क्लिक करो और ऐड टू क्रोम, क्रोम के साथ ऐड कर लो। बहुत ही नेसेसरी है इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। और ये देखो ये डाउनलोड हो गया। और ये कैसे होगा और सारा कुछ मैं यहाँ पर अच्छे से दिखाता हूँ। और इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं अच्छे से दिखाता हूँ। गूगल ट्रांसलेट टूल्स यहाँ हो गया, यहाँ पर इसको क्लिक कर इसको ले आओ। एक्सटेंशन ऑप्शंस, कीबोर्ड शॉर्टकट सेटिंग, कीबोर्ड शॉर्टकट सेटिंग आप एक्सटेंशन ऑप्शन में क्लिक करो। और एक्सटेंशन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखो किसी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर बंगाली, अगर आप बंगाली के आपको बंगाली पता है तो बंगाली के बारे में यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। और बंगला असमिया सेलेक्ट हो गया, बंगला मैं सिलेक्ट करता हूँ, बंगला सेलेक्ट हो गया। और बंगला देखो कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और गूगल जो पेज निकलेगा ना इसी लैंग्वेज में सारा कुछ आप ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर सकते हो। कोई भी पेज को आप पूरी पेज को टोटल पेज को आप ट्रांसलेट कर सकते हो ये सारा लैंग्वेज में। आप यहाँ पर जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया ना वो सारा लैंग्वेज में ऑटोमेटिक आप पूरे पेज को ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल इनपुट टूल्स। इसके बाद जो मैं यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया बंगला, और कुछ नहीं है यहाँ पर, और बहुत सारे लैंग्वेज तो बहुत सारा है। इंग्लिश कर लेता हूँ, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। इंग्लिश कर लिया और क्या कुछ है, इंग्लिश चाहिए और बंगला चाहिए और हिंदी चाहिए मुझे। हिंदी देखो अभी गूगल का जो पेज मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ ना तो वो पेज आपको ये तीनों लैंग्वेज में दिखाई देगा। देखो FLOWER आप ये तीनों लैंग्वेज में बड़ी आसानी से आप देख सकते हो। ये तीनों लैंग्वेज में सारा कुछ दिख जाएगा। यहाँ पर देखो इसे बंगला में भी लिखा है सारा कुछ, देखो यहाँ पर बंगला में भी लिखा हुआ है सारा कुछ। देखो ये तीनों लैंग्वेज में आप जिस लैंग्वेज को आप यहाँ पर सिलेक्ट किया ना उसी तीनों लैंग्वेज में आप पूरा पेज को गूगल का पूरा पेज को आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश की कि अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हो तो क्रोम ब्राउजर में A5 एक्सटेंशन बहुत ही नेसरी है। तो मैं यहाँ पर A5 एक्सटेंशन के बारे में बोलने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल काइनेटिक न्यूज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा, थैंक यू।